Namaskar दोस्तों, welcome to your own channel Learn to Earn by EKR. So friends, today we would be discussing about Vedanta, जिनके लिए नेगेटिव न्यूज है, उस नेगेटिव न्यूज को हम लोग वैलिडेट करेंगे whether S&P Global ने इनके रेटिंग को डाउनग्रेड किया है. So क्या ये न्यूज सही है, कितना सही है, उस चीज को सबसे पहले हम लोग वैलिडेट करेंगे. और ऐसा क्योटिक सिचुएशन में जब सभी कोई सेल कर रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बिकॉज नीचे में कोई बाय करने देगा नहीं और ऊपर में कोई सेल करने देगा नहीं. सिचुएशन में आपको एक ही चीज काम आएगा, दैट इज आपको अपना स्टॉप लॉस याद रखना है. आपका स्टॉप लॉस जो है सबसे पहला 250 का है, वो छोटा सा स्टॉप लॉस है. और उसके बाद जो स्टॉप लॉस आ रहा है 235, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए. और उसके बाद है 220 से 222 का है, एंड लास्ट आपका आता है 207 से 206. सो ये सब बस मैं आपको सपोर्ट बता रहा हूँ अपना एसआईपी के थ्रू. जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना एसआईपी जैसा स्टार्ट कर रहा हूँ, छोटा छोटा चंक ऑफ मनी इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म व्यू, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म. और ट्रेडर्स जो है उनके लिए मैंने स्टॉप लॉस बता दिया है. मैं कोई बायर सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ. तो चलिए न्यूज को वैलिडेट करते हैं, न्यूज क्या है. सो दिस इज द न्यूज दैट इसमें बताया जा रहा है कि एस एन पी ग्लोबल रेटिंग रिवाइज आउटलुक टू नेगेटिव फॉर वेदांता रिसोर्सेस. यहीं पर पूरी क्लैरिटी मिल जाती है कि सबसे पहला चीज कि रिवाइज किया है आउटलुक यानी संभावना को आउटलुक किया गया है. ये रेटिंग को नहीं किया जा रहा है, आउटलुक को किया जा रहा है. रेटिंग को यहाँ पर डाउनग्रेड नहीं हुआ, नेगेटिव आउटलुक बोला जा रहा है. ओके, एंड दैट टू ये वेदांता के लिए नहीं है, ये वेदांता रिसोर्स है जो कि वेदांता की पेरेंट कंपनी है. पेरेंट कंपनी है, उनके लिए ये बात बोला जा रहा है, वेदांता के लिए नहीं है. ओके, सो इन अ स्टेटमेंट इट सेड वेदांता रिसोर्स वीकेंड एक्सेस टू cash flow from its operating subsidiaries at a time of challenging external financing condition has reached its refinancing risk. तो ये वेदांता रिसोर्स के लिए है. और इसमें बोला गया है कि जिसके ऑपरेटिंग सब्सिडरीज है, जैसे हिंदुस्तान जिंक हो गया, वेदांता हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियां, तो इनसे इनको फिनेंसिंग जो रहता है उस वीकेंड हो रहा है, कमजोर हो रही है. इस कारण से इनके आउटलुक को नेगेटिव किया है. रेटिंग अभी तक नहीं नेगेटिव हुआ है. सो S&P ग्लोबल रेटिंग ऑन थर्सडे रिवाइज इज क्रेडिट आउटलुक फॉर वेदांता रिसोर्स लिमिटेड टू नेगेटिव, साइटिंग इट इंक्रीज फंडिंग रिस्क के कारण. द एजेंसी हैज अफर्म्ड B- रेटिंग फॉर द कंपनी. इट इंडिकेट्स अ रिलेटिवली हायर क्रेडिट रिस्क. ओके, so in a statement it said Vedanta weakened access to cash flow from its operating subsidiaries at a time of challenging external financing condition has raised refinancing risk. Company has $3 billion of debt due between August 2024. It said Vedanta Resources making refinancing progress, but execution risk इसमें है. तो इस वेदांता के लिए नहीं है, that is related to Vedanta Resource जो कि वेदांता की parent company है. ओके, सो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है. यहाँ पर आउटलुक है, रेटिंग को अभी तक नेगेटिव नहीं किया गया है, आउटलुक को नेगेटिव किया गया है. सपोर्ट रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है. मैं क्या करूं, मैंने आपको बता दिया है कि मैं अपना एसआईपी यहाँ स्टार्ट कर चुका हूं. 100 रुपए है तो मैं 25% उसका इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, और गिरेगा और करूंगा. और अपना स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान रखूंगा, रिस्क मार्केट में है. ओके, और अभी चार्ट पैटर्न थोड़ा सा बेरिश हो चुका है, सो स्टॉप लॉस को अपना ध्यान में रखिए, ट्रेड कीजिएगा. कोई सेल नहीं कीजिएगा, सेल वाले अभी फंस सकते हैं, सो ध्यान से अपना ट्रेड रखिएगा. सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही. आलोक रे साइनिंग ऑफ. थैंक यू.